Viewers, assalamu alaikum. Welcome to Hamid Hasan Kitchen. आज जो मैं रेसिपी आपके लिए ले आया हूँ वो है आलू पालक. ये मैंने ऑयल गर्म कर लिया, डाल दिया मैंने प्याज. जैसे जैसे प्याज ब्राउन होगा उसके बाद हम डालेंगे बाकी मसाले. गुजारिश आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें. प्याज है वो होगी हमारी लाल और उसमें डालने के आलू. उसके बाद करेंगे इसमें एक चम्मच अदरक और लहसुन, ये मैंने ऐड कर दिया था. थोड़ा अच्छी खुशबू निकल रही है. ओके, अब फिर हम उसमें ऐड करेंगे टमाटर जो मैंने चॉप करके पहले रख दिए. तो फिर भी चलिए आप चाहें तो करूँ तो फिर ऐड कर इसको हल्के हल्के चला दो ताकि टमाटर इसमें पूरी तरीके से भर जाए. जितने चम्मच से उसको हिलाते आप चाहेंगे इतने टेस्टी बनेगा वो टमाटर इसमें कर जाएगा. तो मैक्सिमम 5 मिनट तक चम्मच को हिलाते रहें, उसके बाद उसको कवर अप कर दें. मज़ीद 10 मिनट के बाद फिर से आप देख रहे हैं टमाटर जब पूरे तरीके से गले उसमें पालक ऐड कर दें. तब तक हमारे आलू भी पक जाएंगे. देखिए टमाटर हमारे गलने शुरू हो गए. आपसे जरूर ये धनिया मैंने इसको दोबारा ऐड कर लिया, इसकी भी अच्छी खुशबू आएगी और 4 अदद साबित मिर्ची. मैंने इसको ऐड कर लिया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी. दोबारा इसको कवर अप कर देंगे 10 मिनट के लिए ताकि
अब वो हमारे जो है वो पंचायत, अगर मैं समझता हूँ अगर आधे कच्चे अगर आलू हों तो आपको खाने में मजीद ज़्यादा जायका आएगा और टेस्ट आएगा। सो मैं कवर अप करता हूँ, अगेन 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो जगह भरत के टमाटर हमारे बिल्कुल इसमें गल गए, आलू जो है वो ज़रा ये के सॉफ नहीं हुए, तो अब इसमें मैं डालने लगा हूँ पालक। हमारा मन से चम्मच के साथ मिलाते रहेंगे ताकि मजीद भी जो टमाटर कुछ रह गए हैं उसमें मिक्स हो जाए प्रॉपर। पालक टमाटर आलू एक दूसरे के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाए ताकि मसाला इसके अंदर कम्प्लीट एडजस्ट हो जाए। मैक्सिमम 15 मिनट के लिए, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको चेक करेंगे और 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारे घर से भी आलू पालक तैयार हो जाएगी। सो फ्रेंड आज की डिश हमारी तैयार है, आलू पालक। तो फ्रेंड ये थी हमारे डिश आज आलू पालक, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करें। थैंक यू सो मच।